सो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स, ओके। हम जान रहे हैं ब्लड वेसल्स टू दो तरह के होते हैं। पहला है आर्टरीज, आर्टरीज, और दूसरा है आपका वेन्स। ओके, वेन्स की भी बात करेंगे। आर्टरीज, आर्टरीज, ओके। आर्टरीज का भी मैं फिगर बना के आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। दोनों फिगर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए फिगर बेस्ड इस पे आर्टरी और वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको भी समझाऊंगा। पहले आर्टरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आर्टरीज का मैं इधर फिगर बना देता हूँ, आर्टरी। ओके, ये जो है आपका आउटर बाउंड्री, ओके। फिर इसमें तीन चीज होते हैं, मतलब इसको कहते हैं एक्सटर्नल, जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होता है आपके आर्टरी में, इसको कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। फिर आपका आता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये आपका एक्सटर्नल लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। फिर आपका आता है मिडिल मस्कुलर लेयर, ओके। आपका मिडिल में सबसे मिडिल, इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ये आपका होता है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर, ओके। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, मस्कुलर लेयर होता है। फिर ये आपका जो सबसे बीच में होता है, ये होता है ल्यूमेन, इसी में आपका ब्लड फ्लो करता है, ओके। ये आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ल्यूमेन, ल्यूमेन में आपका, हाँ, ल्यूमेन में आपका ब्लड फ्लो करता है, ओके। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक इंटरना भी होता है, यहाँ पे एक इंटरनल लेयर होता है, ये आपका इंटरनल लेयर जो ल्यूमन के टच में रहता है, इसको कहते हैं ट्यूनिका। जो होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर आपका आता है ल्यूमन, और ल्यूमन के ऊपर होता है आपका ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटरना, ओके। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ल्यूमन एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। तो अब आर्टरीज के पहले, तो सबसे पहले बात आर्टरीज होते क्या हैं। तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स विच कैरीज, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, ओके। सो आर्टरीज क्या होता है आपका, जो ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, यानी जो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड, या हार्ट से जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स ब्लड बाहर ले जाते हैं, यानी हार्ट से दूर ले जाते हैं। तो अब हार्ट जो था आपका, मैं हल्का सा रफ डायग्राम बनाऊंगा, जो हार्ट था आपका, तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी ले जा रहा था ब्लड, एक आपका यहाँ से अरोटा, अरोटा था आपका, ये अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा, ये आपके ब्लड, ये दोनों, इसको आर्टरी क्यों नाम दिया। आर्टरी का हमने अभी तक डिफिनेशन, आज तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि आर्टरी इज द ब्लड वेसल मीन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, ओके। पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसको आर्टरी क्यों कहा है, क्योंकि हार्ट से दूर जा रहा है, चाहे भले ऑक्सीजनेटेड हो या डी ऑक्सीजनेटेड हो, हार्ट से दूर ले जा रहा है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी। और ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आर्टरी ब्लस बस जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना करता हो, बस हमारे बॉडी में एक ही आर्टरी ऐसा है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी, और एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन, ओके। तो ये आपका हो गया, द ब्लड डेफिनेशन हो गया होगा आपका। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आर्टरी के, जो आपका मस्कुलर लेयर होता है, थिक मस्कुलर होता है, थिक, थिक मस्कुलर लेयर, थिक मस्कुलर लेयर, ओके।
ये जो आपका मस्कुलर मसल्स है इस लेयर में, ये आपका थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि फिर से मैं हर्ट बनाना चाहूँगा एक बार। ये जो हर्ट के आपके वेंट्रिकल्स, नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स चैम्बर्स थे, वेंट्रिकल चैम्बर्स, यही ब्लड जो है पंप करते हैं। सिस्टोल का प्रोसेस होता है तो यहाँ से ब्लड बाहर जाता है। तो ये जब ब्लड बाहर जाता है तो हाई प्रेशर में होता है, उसको सारे ऑर्गन तक पहुँचाना है, वापस भी आना है, सारे ऑर्गन तक जाके फिर से वापस भी आना है हार्ट में, ठीक है। तो ये अब यहाँ से पंप करता है, तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल होता है, यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप होता है, ट्रिगर क्या होता है, ऐसे नोड, उसको पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर होता है आपका, पेसमेकर, पेसमेकर, ऐसे नोड, ऐसे नोड होता है, और आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ऐसे नोड ही हमको मेन पढ़ना है, पेसमेकर ऐसे नोड, यही आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। तो आपके वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है जो ब्लड वेसल जाता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ये बाहर जाएगा, यानी हर्ट से दूर जाएगा। हर्ट से दूर किस में, किस वेसल में जाता है, आर्टरी में जाता है, उसमें हाई प्रेशर रहेगा। तो उतने ज़्यादा, उतने प्रेशर को विदस्टैंड, यानी उतने प्रेशर को सहने के लिए, उसको विदस्टैंड होने के लिए, जो आर्टरी का आपका मस्कुलर लेयर होता है वो थिक होता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि वाई आर्टरीज आर प्रोवाइडेड विथ थिक मस्कुलर लेयर्स, तो होगा टू विदस्टैंड द ब्लड प्रेशर, द आर्टरीज आर प्रोवाइडेड विद द थिक मस्कुलर लेयर, ओके। फिर इसका थिक मस्कुलर, फिर इसका जो ल्यूमन होता है, नैरो होता है, नैरो ल्यूमन। अब ल्यूमन नैरो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड तेजी से फ्लो हो, ब्लड तेजी से फ्लो हो, सारे ऑर्गन तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए, इसलिए ल्यूमन नैरो होता है, ठीक। ये आपका हो गया आर्टरीज का कहानी, ओके। तो द ब्लड वेसल विच कैरीज, द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन, ओके। फिर थिक मस्कुलर वॉल, नैरो ल्यूमन, एंड इसमें जो आपका ब्लड फ्लो होता है वो फास्टली होता है, ब्लड फ्लोज, ब्लड फ्लोज फास्ट, ओके। इसको स्प्रेड भी कहते हैं, SPRUT, स्प्रेड, ओके, SPURTS, ओके। तो थिक मस्कुलर वॉल, नैरो ल्यूमन, ब्लड फ्लोज फास्ट, ओके। तो ये आपका आर्टरी हो गया, आर्टरी, ठीक, आर्टरी का ये डायग्राम, ओके। फिर बात करेंगे हम आर्टरी की बात हो गई, वेन्स की बात करेंगे। आपका फर्स्ट आर्टरी था, ओके, फिर सेकंड आपका आएगा वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, ओके। तो डेफिनेशन, द ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड, विच द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स, अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स द हार्ट, ओके, ओके। तो पहला पॉइंट, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक। फिर आपका जो हार्ट था, हाँ, आज तक हम लोग ये भी पढ़ते आए हैं कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लंग्स से, या आपका अगर लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता था, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये हार्ट के अंदर आ रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट, तो वेन हो गया। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है या डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन हमारे बॉडी में बस एक ही वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन, ओके। सो ये का डेफिनेशन हो गया। अब जैसे आर्टरी में थिक मस्कुलर वॉल था, इसमें होता है थिन मस्कुलर वॉल, थिन मस्कुलर वॉल, थिन मस्कुलर, मस्कुलर लेयर, ओके। अब क्यों थिन होता है, जैसे ये आपका वेन हो गया, ठीक। तो इसका पहले तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक। फिर आपका जो मस्कुलर लेयर है ये थिन होता है, ठीक। आपका जो, फिर जो ट्यूनिक ये आपका मस्कुलर लेयर हो गया, ये मस्कुलर लेयर, ये आपका थिन होता है, क्योंकि आप वेन्स में, मस्कुलर थिन इसलिए होता है क्योंकि वेन्स में जो है आपका ये ज़्यादा प्रेशर में ब्लड नहीं फ्लो करता है,
यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो कैसा होता था, फास्ट होता था, इसमें ज़्यादा प्रेशर होता था, वेंट्रिकल से जब आर्टरीज में आते थे ब्लड तो हाई प्रेशर में आते थे, अब ब्लड से ऑर्गन तक, आप ऑर्गन से जब वापस आता है तो उसमें हाई प्रेशर नहीं रहता है, तो हाई प्रेशर नहीं है तो इसलिए इसमें वेंस में जो मस्कुलर वॉल है आपका थिन होता है, थिन मस्कुलर वॉल, अब ये जो ल्यूमन होता है आपका लार्ज होता है, वाइड ल्यूमन, इसमें नैरो था, इसमें नैरो ल्यूमन था, इसमें आपका वाइड ल्यूमन होता है, वाइड ल्यूमन, बाकी सब सेम, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ओके, उन सब में कोई, बस आपका इसमें थिन मस्कुलर वॉल्व एंड वाइड ल्यूमन, इसमें थिक मस्कुलर वॉल्व एंड नैरो ल्यूमन, अब ब्लड फ्लोज फास्टर इसमें होता है, ब्लड ब्लड फ्लोज स्लोली, ब्लड फ्लोज स्लोली, ओके, तो इसमें हो गया ब्लड फ्लो स्लोली, ओके, ब्लड फ्लो स्लोली कहें या फिर यूनिफॉर्मली कहिए, स्लोली वर्ड नहीं सही लग रहा है, इसे यहाँ पे भी फास्ट की जगह स्प्रट से याद रखिए, उसमें ब्लड फ्लोस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, ओके, हाँ, अब ये आपका अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये आप डिफरेंट आर्टरीज एंड वेंस में डिफरेंस अगर पूछता है तो ये आप डिफरेंस दे सकते हैं, थिक मस्कुलर लेयर, थिन मस्कुलर लेयर, नैरो ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन, ब्लड फ्लोस स्प्रट्स यानी फास्ट, में ब्लड फ्लोस यूनिफॉर्मली यानी स्लो, और एक और चीज़ होता है कि वेंस में ये जो हर्ट से आपका, हर्ट से आपका आर्टरीज ऑर्गन तक, ये आपका मान लीजिए ऑर्गन है, ऑर्गन, हर्ट से आर्टरीज आपके ऑर्गन तक ब्लड ले गए थे, ठीक, अब वापस आना है इसको, वापस हर्ट में आना है, तो वापस आते समय मैंने बताया प्रेशर कम होता है, यानी ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए इसमें थिन मस्कुलर लेयर होता है और ल्यूमन वाइड होता है ताकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो, ओके, अब जब वापस मान लीजिए आपके हर्ट से, हर्ट यहाँ पे है आपके सेंटर में, ठीक, हर्ट से पैरों में मान लीजिए, मान लेट सपोज कर लेते हैं, हर्ट से पैरों में आपके आर्टरी से ब्लड गया, ठीक, अब वापस आना यानी ऊपर उसको चढ़ना है, अब ये आपका मान लीजिए वेन है, ठीक, ब्लड ये आपका पैर था, लेग्स, ये आपके लग लेग्स थे, ठीक, अब लेग्स से ब्लड को जो है ऊपर चढ़ना है, ठीक, अब ऊपर चढ़ना है यानी इसको हाई प्रेशर चाहिए, वेंस में हाई प्रेशर होता नहीं है, तो इसीलिए वेंस में बैक सक्शन हो जाए, ये जो चढ़ा था ये वापस गिर ना जाए, क्योंकि प्रेशर तो है नहीं कि एक ही बार में सब चढ़ जाएगा, तो इसमें हाई सॉरी एक ही बार तो चढ़ नहीं सकता, तो ये अब यहाँ तक चढ़ा था वापस गिर ना जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वेंस में वॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक, ये जो आर्टरी में आपके वॉल्व नहीं होते हैं, नो वॉल्व्स, नो वॉल्व्स, क्योंकि इसमें प्रेशर ही ज़्यादा है, वो ऑर्गन तक पहुंचा देता है, इसमें प्रोवाइडेड विथ वॉल्व्स क्यों होता है, टू प्रिवेंट बैक सेक्शन, कहीं भी आपका वॉल्व अगर दिया हुआ है उसका फंक्शन नहीं होता है तो प्रिवेंट बैक सेक्शन, ठीक, यहाँ पे मैंने समझाया ना कि अगर पैरों में चढ़ रहा है ब्लड, ठीक, पैरों में ब्लड चढ़ रहा है, अब इतना ही चढ़ ही पाया, अब कहीं वापस नहीं गिर जाता, इसलिए यहाँ पे वॉल्व दिया रहेगा, ठीक, ये वॉल्व कभी कभी डैमेज हो जाता है, तो ये वॉल्व कभी कभी डैमेज होता है तो उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है, ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें वॉल्व प्रोवाइड करते हैं, इसमें वॉल्व नहीं रहता है, ओके, अब ये जो फिगर बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, आपका आर्टरी का फिगर दे देगा, हाँ एक और, ठीक ठीक वो ये आपका आर्टरी, ठीक, ये आपका वेंस, इसमें क्या है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना भी मैं नहीं बनाऊंगा, बस मस्कुलर वॉल्व, मस्कुलर लेयर और ल्यूमन दिखाएंगे, ठीक, इसमें होता है नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन, इसका ल्यूमन होता है वाइड, ठीक, नैरो ल्यूमन और वाइड ल्यूमन, ठीक, अब थिक मस्कुलर वॉल्व, ये आपका मस्कुलर वॉल्व है बीच वाला, तो इसका मस्कुलर वॉल्व जो है थिक होता है, नहीं मोटा होता है, आपका थिक मस्कुलर वॉल्व, नैरो ल्यूमन, इसमें होता है थिन मस्कुलर वॉल्व, जो आपका मस्कुलर वॉल्व है ये पतला होता है, ठीक, ये आपका ल्यूमन, दोनों आपके हो गए ल्यूमन,
ये दोनों हो गए आपके मस्कुलर वॉल्व्स, मस्कुलर लेयर, सॉरी मस्कुलर लेयर्स। ठीक, ये आपके मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर, ये बीच वाला ल्यूमन, इसमें ये मस्कुलर लेयर है, ये बीच वाला ल्यूमन। ओके, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई ए, मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ठीक, आपको क्वेश्चन है पूछ देगा कि बताइए ए वाला क्या है, बी वाला क्या है। तो नैरो ल्यूमन और वाइड, नैरो ल्यूमन है और वाइड थिक मस्कुलर वॉल, बताइए आइटम हो जाएगा इसका, ल्यूमन वाइड है एंड थिक मस्कुलर लेयर, तो ये हो जाएगा वेन्स। ओके, फिर पूछ देगा आपको कि डेफिनेशन दीजिए, तो आपको डेफिनेशन दे देना है। द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन, द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक, आपको डेफिनेशन दे देगा। फिर पूछेगा कौन सा ए या बी में से कौन सा में आपको वॉल्व प्रोवाइड किया जाता है, तो वेन्स में वॉल्व प्रोवाइड किया जाता है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पूछ देगा कि दोनों में डिफरेंस दीजिए, तो ये आपके डिफरेंस है, डिफरेंस आप दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, और एक और होता है कैपिलरी, कैपिलरीज। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कैपिलरीज। ओके, ये आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो, कैपिलरीज। ओके, तो कैपिलरीज क्या होता है, पतले पतले जो नस होते हैं उसी को हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ कुछ चीजें समझनी है। ओके, ठीक है, ये आपका मान लीजिए आर्टरी है, नहीं पहले तो अगर आपका ये आर्टरी होता है, ठीक, ये मान लीजिए आपका आर्टरी है, ठीक, यहाँ पे आपका आर्टरी आया है, ये आर्टरी है मान लीजिए, ये आपका आर्टरी है, ये जो है आपका आर्टरी है। ओके, तो आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है, जो ब्रांच आगे जाके थिन थिन वेसल्स यानी बहुत ही पतले पतले नसों में जो डिवाइड हो जाता है, जो पतले पतले नस होते हैं उसी को हम कैपिलरीज कहते हैं। ओके, द कैपिलरी इज वेरी नैरो ट्यूब, कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी वेरी नैरो ट्यूब, वेरी नैरो ट्यूब, वेरी नैरो ट्यूब। ओके, कैपिलरी डेफिनेशन नहीं पूछता है वैसे, बस ये आपको ये जो आर्टरी से ब्रांच निकलता है जिससे फर्दर ये आपके कैपिलरीज निकलते हैं, इसको कहते हैं आर्टीरियोल, आर्टीरियोल। इससे क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जो है आपके, ये सब ये हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज। ओके, और फिर ये जब सारे आर्टीरियोल जिस ब्लड वेसल में या मिलके जो ब्लड वेसल बताते बनाते हैं, इसको कहते हैं वेन्यूल। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, नेम द ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैपिलरीज। तो आर्टेरियोल नहीं होगा क्योंकि आर्टेरियोल से ये टूट रहे हैं, फिर से वापस जुड़ के क्या बना रहे हैं, वेन्यूल बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, द नेम द ब्लड वेसल विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैपिलरीज, तो वेन्यूल होगा, आर्टेरियोल नहीं होगा, आर्टेरियोल से टूटते हैं, वेन्यूल बनाते हैं। ठीक, तो यही आपका क्वेश्चन पूछता है। और कुछ फंक्शंस अगर देख लीजिए, तो इसमें कैपिलरीज का जो लेयर होता है, जैसे इसमें कैपिलरीज, ये मान लीजिए आपका कैपिलरी है ये भी, तो कैपिलरी का जो ये लेयर होता है, ये होता है, इसको कहते हैं एंडोथिलियम, आपके बुक में फिगर दिया होगा, एंडोथिलियम होता है, एंडोथिलियम, एंडोथिलियम का या कैपिलरी का फंक्शन अगर देखेंगे तो ये होता है एंडो कैपिलरी से। अब ये मान लीजिए ये कैपिलरी है, ये ऑर्गन में आपका सप्लाई करेगा, तो ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, फिर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये जो आपका पढ़ा था हमने डाइपेडेसिस, डाइपेडेसिस जो हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू बी सी जो होता है आपका, डब्ल्यू बी सी, ये ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल से बाहर निकल के, यानी जो डायबिटीज क्या है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द आरबीसी, सॉरी द स्क्वीजिंग आउट ऑफ द डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द ब्लड वेसल, तो जो डायबिटीज का प्रोसेस होता है ये भी एंडोथिलियम जो होता है वो से कुछ चीज पास हो सकते हैं, सेमी परमेबल होता है, ओके मतलब परमिएबल होता है वो, आर पार उसमें कुछ चीज जा सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जो डायपेडिसिस का प्रोसेस होता है ये भी एंडोथेलियम है, क्योंकि एंडोथेलियम में से ही डब्ल्यू बी सी बाहर निकल गया, तो प्रोसेस ऑफ डायपेडिसिस, प्रोसेस ऑफ डायपेडिसिस। तो ये कुछ फंक्शन आपके कैपिलरीज के, ठीक, आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया, कैपिलरीज हो गया, कैपिलरीज में वेन्यूल वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, और ये डब्ल्यू बी सी निकल के स्क्वीज करके, स्क्वीजिंग ऑफ द डब्ल्यू बी सी फ्रॉम द ब्लड वेसल इज कॉल्ड डायपेटिसिस एंड एनगल्फिंग द बैक्टीरिया इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो ये दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको समझ में आ गया। ये आर्टरीज और वेन का ये फिगर वाला जो क्वेश्चन में बताया था वो फिगर वाला ज़्यादा पूछता है, और कैपिलरी में वेन्यूल पूछ देता है, ठीक। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।